वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम जॉन सर्ट, मैं जान का हृदय हूँ, जिसके आथर जे डी रेडक्लिफ जी हैं, जिनका पूरा नाम है जॉन डी रेडक्लिफ, के पैराग्राफ 1 को शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने अपना पहला वीडियो इस चैप्टर अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने अबाउट द आथर और अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए हम आते हैं पैराग्राफ 1 पर। जॉन डी रेडक्लिफ जी अपने हृदय के बारे में बताते हैं, या जॉन डी रेडक्लिफ जी का हृदय खुद ही बोल रहा है, नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी, नो वन कुड से, कोई नहीं कह सकता आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, आई एम रेड ब्राउन इन कलर एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप। आई वे 340 ग्राम्स, वे मीन्स वजन होता है, मेरा वजन 340 ग्राम है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, और रंग में मैं रेड ब्राउन मीन्स लाल भूरे, आई एम रेड ब्राउन इन कलर, और मैं रंग में लाल भूरे रंग का हूँ। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, एंड और हैव एन अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव मीन्स अप्रभावी, शेप मीन्स आकार, एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव, और मेरा एक अप्रभावी आकार है। आई वे 340 ग्राम से, मेरा वजन 340 ग्राम है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, और मैं रंग में लाल भूरे रंग का हूँ। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव, और मेरा जो मैं एक अप्रभावी आकार का हूँ। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, आई मीन्स मैं जॉन का डेडिकेटेड मीन्स स्वामी भक्त, स्लेव मीन्स गुलाम। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, मैं जॉन का स्वामी भक्त गुलाम हूँ, हिज हर्ट, और उसका हृदय हूँ। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, हिज हर्ट, मैं जॉन का हृदय हूँ और उसका स्वामी भक्त गुलाम हूँ। आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, आई हैंग मैं लटका हूँ, बाई लिगामेंट्स, लिगामेंट्स मीन्स स्नायुबंध, बाई मीन्स सहारे, आई हैंग बाई लिगामेंट्स, मैं स्नायुबंध के सहारे लटका हूँ, इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, सेंटर मीन्स मध्य में, केंद्र बिंदु में, हिज चेस्ट मीन्स के हृदय के। आई हैंग बाई लिगामेंट्स, मैं स्नायुबंधों के सहारे लटका हूँ, इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने के केंद्र में, चेस्ट मीन्स सीना होता है। तो आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, मैं उसके सीने के केंद्र में स्नायुबंध के सहारे लटका हूँ। आई एम अबाउट 50 cm लॉन्ग, आई एम अबाउट 50 cm लॉन्ग, मैं लगभग 15 cm लंबा हूँ। एट माई विडेस्ट पॉइंट, एट मीन्स पर, माई मीन्स मेरे, विडेस्ट में सबसे चौड़े पॉइंट मीन्स बिंदु पर। आई एम अबाउट 15 cm लॉन्ग, मैं लगभग 15 cm लंबा हूँ। एट माई विडेस्ट पॉइंट, मेरे सबसे चौड़े बिंदु पर। 10 cm अक्रॉस मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, आई एम 15 cm लॉन्ग, मैं 15 cm लंबा हूँ। एंड और एट माई विडेस्ट पॉइंट, और मेरा जो सबसे चौड़ा बिंदु है 10 cm अक्रॉस, वहाँ पर मैं लगभग 10 cm का हूँ। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, और मेरा जो आकार है वो मोर पियर, ज़्यादा से ज़्यादा पियर मीन्स नाशपाती के आकार का है, देन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की तुलना में। आई एम अबाउट 15 cm लॉन्ग, मैं लगभग 15 cm लंबा हूँ। एंड और एट माई विडेस्ट पॉइंट, मेरे सबसे चौड़े बिंदु पर 10 cm क्रॉस, मैं 10 cm चौड़ा हूँ। मोर पियर शेप्ड, मैं अधिकतर नाशपाती के आकार का हूँ, देन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की तुलना में। वाट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्राम पोएट्स, वाट एवर, जो कुछ भी यू मे हैव हर्ड, आपने सुना होगा अबाउट मी, मेरे बारे में, फ्राम पोएट्स, कवियों से। वाट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्राम पोएट्स, जो कुछ भी आपने मेरे बारे में कवियों से सुना होगा। आई एम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर, आई एम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर, मैं बहुत स्वच्छंदतावादी चरित्र वाला नहीं हूँ।
आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक करेक्टर, जॉन रेडक्लिफ जी का हृदय कह रहा है, आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक करेक्टर, मैं बहुत स्वच्छंदतावादी चरित्र वाला नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग फोर चैम्बर्ड पंप, आई एम जस्ट, मैं ठीक ए हार्ड वर्किंग, एक कठिन कार्य करने वाला, फोर चैम्बर्ड मीन्स चार कोष्ठों वाला, पंप मीन्स पंप हूँ, आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग फोर चैम्बर्ड पंप, मैं ठीक कठिन कार्य करने वाला चार कोष्ठीय पंप हूँ, एक्चुअली टू पंप्स, वास्तव में उनमें से जो दो पंप हैं, एक्चुअली टू पंप्स, उसमें दो पंप हैं, वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स, वन उनमें से एक मूव मिस लाता है ब्लड मिस रक्त को टू द लंग्स मिस फेफड़ों से, वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक जो फेफड़ों से साफ किए गए रक्त को लाता है, द अदर और दूसरा टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और दूसरा जो शरीर में रक्त को भेजता है, और जो दूसरा इट इसे अर्थात रक्त को आउट इनटू द बॉडी शरीर में भेजता है, आई एम जस्ट हार्ड वर्किंग फोर चैम्बर्ड पंप, मैं ठीक एक कठिन कार्य करने वाला चार कोष्ठी पंप हूँ, एक्चुअली टू पंप्स, वास्तव में दो पंप, एक्चुअली टू पंप्स, वास्तव में दो पंप, वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक जो फेफड़ों से रक्त को लाता है, द अदर और दूसरा टू पुश इट आउट इन टू द बॉडी, दूसरा जो शरीर में इसे भेजता है अर्थात रक्त को भेजता है, एवरी डे प्रत्येक दिन आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 km ऑफ ब्लड वेसल्स, एवरी डे प्रत्येक दिन आई पंप, मैं पंप करता हूँ ब्लड मीन्स रक्त को, थ्रू अबाउट से हो, थ्रू मीन्स से होकर अबाउट 96,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स में से ब्लड वाहिकाओं में, एवरी डे प्रत्येक दिन आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 km ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रत्येक दिन में रक्त वाहिकाओं में 96,000 किलोमीटर तक रक्त को पंप करता हूँ, दैट इज एनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, दैट इज एनफ जो पर्याप्त है पंपिंग मीन्स पंप करके टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, दैट इज एनफ जो पर्याप्त होता है पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, 18,000 लीटर के टैंक को पंप करके भरने में, वेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, वेन जब जॉन थिंक्स ऑफ मी, जॉन मेरे बारे में सोचता है एट ऑल पूरी तरह से, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेगाइल एंड डेलिकेट, वेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब जॉन पूरी तरह से मेरे बारे में सोचता है, वेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब जॉन मेरे बारे में पूरी तरह सोचता है, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेगाइल, ही थिंक्स सोचता है ऑफ मी मेरे बारे में एज फ्रेगाइल, कि मैं मुलायम हूँ एंड डेलीकेट और मैं कोमल हूँ, वेन जॉन थिंक्स मी ऑफ एट, वेन जॉन से थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब जॉन पूरी तरह से मेरे बारे में सोचता है, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेगाइल एंड डेलीकेट, वह मुझे मुलायम और कोमल समझता है, डेलीकेट कोमल, डेलीकेट कोमल, वेन अप टू नाउ आई पंप्ड मोर देन, वेन अप टू नाउ, तब से लेकर के अब तक आई हैव पंप्ड मोर देन वंस 10,000 10,000 लाख से 3 लाख से टन ऑफ हिज ब्लड, वेन अप टू नाउ, तब से अब तक अर्थात जब से जान का जन्म हुआ है तभी से लेकर के अभी जान की उम्र तक, तो वेन अप टू नाउ, तब से लेकर के अब तक आई हैव पंप्ड मोर देन 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, मैंने उसके 3 लाख टन से ज़्यादा ब्लड को पंप किया है, वेन अप टू नाउ, तब से लेकर के अब तक आई हैव पंप्ड मोर देन 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, मैंने उसके 3 लाख टन से ज़्यादा रक्त को पंप किया है, आई वर्क ट्वाइस हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज, मैं उतना कठिन, आई वर्क ट्वाइस, मैं दोगुना कार्य करता हूँ, एज हार्ड एज उतना कठिन,
जितना कि द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट चैम्पियन। द आर्म मसल्स, आर्म इस भुजाओं की, मसल्स मिस मांसपेशियाँ, ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, एक भारी, हैवी मीन्स भारी, वेट मीन्स वजन के बॉक्सिंग विजेता की। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज, मैं दोगुना कार्य करता हूँ जैसे। द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट ऑफ बॉक्सिंग चैम्पियन, जिस तरीके से एक भारी वजन के बॉक्सिंग विजेता की भुजाओं की मांसपेशियां कार्य करती हैं, उसकी तुलना में मैं दोगुना कार्य करता हूँ। आर, या द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, लेग मीन्स पैरों की, मसल्स मीन्स मांसपेशियां, ऑफ ए स्प्रिंटर एक तेज धावक की। आर, द लेग्स ऑफ, लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, या एक तेज धावक के पैरों की मांसपेशियां जितनी तेजी से कार्य करती हैं उसके, उनकी तुलनाओं में मैं दोगुना कार्य करता हूँ। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज, मैं दोगुना कार्य करता हूँ, एज हार्ड एज, जितना कठिन। द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, जितना कठिन एक भारी वजन बॉक्सिंग विजेता की मांस, हाथों की, आर्म इस भुजाओं की मांसपेशियां कार्य करती हैं। आर्या, द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, एक तेज धावक के पैरों की मांसपेशियां कार्य करती हैं। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, लेट देम, देम मिस उनको, ट्राई मिस प्रयास करने के दिया जाए, टू गो आउट एट माई पेस, मेरे रफ्तार से कार्य करने के लिए, पेस में रफ्तार होता है। लेट देम ट्राई टू गेट एट माई पेस, यदि उनको मेरी रफ्तार से कार्य करने के लिए कहा जाए, किसको, एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, भारी वजन के बॉक्सिंग विजेता के हाथों, बाहों की मांसपेशियों को, और एक तेज धावक के पैरों की मांसपेशियों को, पैरों की मांसपेशियों को और भुजाओं की मांसपेशियों को के बारे में जानटर क्लिप्स बता रहे हैं कि उनका हृदय कह रहा है, लेट देम ट्राई टू गेट एट माई पेस, यदि उनको मेरे स्थान पर मेरे रफ्तार से कार्य करने के लिए कहा जाए, एंड और दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, इन मिनट्स तो वो मिनटों में ही जेली मिस चटनी में बदल जाएंगे, जेली मिस मुरब्बा होता है तो जेली में बदल जाएंगे। लेट देम ट्राई टू गेट एट माई पेस, यदि उनको मेरे रफ्तार से कार्य करने के लिए कहा जाए, लेट देम ट्राई टू गेट एट माई पेस, यदि उनको मेरे रफ्तार से कार्य करने के लिए प्रयास करने को कहा जाए, दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, वे मिनटों में ही जेली में बदल जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग एज आई एम, नो मसल्स, कोई भी मांसपेशी इन द बॉडी, शरीर में कोई भी मांसपेशी, आर एज स्ट्रांग, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। नो मसल्स ऑफ इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग एज आई एम, शरीर में कोई भी मांसपेशी इतना मजबूत नहीं है जितना कि मैं मजबूत हूँ, एक्सेप्ट, छोड़ करके, दोज ऑफ वुमेन यूट्रस, दोज मीन्स उस वुमेन मीन्स महिला के यूट्रस मीन्स गर्भाशय को, एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वुमेन यूट्रस, महिला के गर्भाशय को छोड़कर, एज सी गिव्स बर्थ, एज जैसे कि सी मीन्स वह गिव्स मीन्स देती है बर्थ मीन्स जन्म, एज सी गिव्स बर्थ, जैसे कि वह जन्म देती है। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग, कोई भी मांसपेशी मेरे शरीर में उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग, कोई भी मांसपेशी शरीर में इतना मजबूत नहीं है, एज आई एम, जितना कि मैं मजबूत हूँ, एक्सेप्ट दोज ऑफ वुमेन यूट्रस, महिला के गर्भाशय को छोड़ करके, एक महिला के गर्भाशय को छोड़ करके, एज सी गिव्स बर्थ, वह जैसे कि वह बच्चे को जन्म देती है, एज सी गिव्स बर्थ, जिससे वह बच्चे को जन्म देती है, उस, बट यूट्रीन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स, बट लेकिन यूट्रीन मसल्स गर्भाशय की मांसपेशियां डोंट कीप लगातार कार्य नहीं करती हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात, फॉर 70 वर्षों तक, बट यूट्रीन मसल, लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियां डोंट कीप एट डे एंड नाइट, दिन रात, 70 सालों तक कार्य नहीं करती हैं, एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू,
जैसे आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसे कि मैं मुझसे करने की आशा की जाती है, एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, या जैसा मैं करने की आशा करता हूँ। बट यूट्रीन मसल्स डोंट कीप ए डे एंड नाइट, लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियाँ मेरी तरह दिन और रात 70 सालों तक कार्य नहीं कर सकती हैं। बट यूट्रीन मसल्स डोंट कीप इट एट डे एंड नाइट फॉर 20 ईयर्स, लेकिन जो गर्भाशय की मांसपेशियाँ हैं वह 70 वर्षों तक दिन और रात मेरे तरह कार्य को जारी नहीं रख सकती हैं। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसे कि मैं करने की आशा करता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इससे पहले मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1, 2, 3, 4 को भी पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उन चैप्टर के वीडियो आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे, और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा, इसके बाद जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उन वीडियोस की लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहेगी, और आप हमारे वीडियोस को आसानी से देखते रहेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।